अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हैदर हेरिटेज एक्टिविस्ट हूँ और लॉयर हूँ, बेस्ड आउट ऑफ लखनऊ। और पिछले करीब 10 सालों से लखनऊ के जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उनके तहफ़ुज़ के लिए, उनकी रिपेयर के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए और उन पर से इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए हम एक लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पर्सनल तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमने एक हाईकोर्ट में PIL करी 2013 में। उस PIL को हाईकोर्ट ने संज्ञान अपना लेकर तमाम ऑर्डर्स पास किए लगातार, जिससे हमारा हमारे नज़रों के सामने है सबसे बड़ा एग्जांपल इमामबाड़ा सिप्तनाबाद, जो पूरी तरह से इंक्रोच था। आज की तारीख में उसके इंक्रोचमेंट हट चुके हैं। इमामबाड़ा का जो मेन सैंक्टम सेंक्टोरम है, जो मेन बिल्डिंग है, वो पूरी तरह से कंजर्व हो चुकी है और कंजर्वेशन का काम लगातार चल रहा है। इसी सीरीज़ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लखनऊ का एक और पुराना मॉन्यूमेंट, जो लखनऊ का सिग्नेचर मॉन्यूमेंट कहा जाता है, छोटा इमामबाड़ा, जिसको अमजद अली शाह साहब के वालिद मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था और 1838 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। ये अपने बेजोड़ आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस इमामबाड़े को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 1920 में कंजर्व किया और तब से उनकी जेर निगरानी है ये मॉन्यूमेंट। लेकिन ये कंजर्वेशन सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गया आज़ादी के बाद। लगातार इंक्रोचमेंट होते रहे। इमामबाड़े के ठीक सामने नौबत खाना पूरी तरह से इंक्रोच हो गया। इमामबाड़े के दोनों गेज पूरी तरह से इंक्रोच हो गए। तो हमने जब अपनी PIL दाखिल करी थी, उस PIL में हमने स्पेसिफिकली इस इमामबाड़े के बारे में लिखते हुए ये कहा था कि इसके दोनों गेट जो पूरी तरह से इंक्रोच्ड हैं, उस पर से इंक्रोचमेंट को सिस्टमेटिक तरीके से हटाया जाए। हमारी PIL पेंडिंग ही थी कि इसी बीच 2015 की बरसात में इसके मेन ईस्टर्न गेट का एक पोर्शन गिरा। तब हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एक और एप्लीकेशन भेज के इसकी रिपेयर करने के लिए कहा। आई वॉज सरप्राइज कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो हमें जवाब दिया, उस जवाब में ये लिखा कि साहब गेट जो है हमारी जेर निगरानी नहीं आता। उसके बाद फिर छोटे इमामबाड़े के अंदर हुसैनाबाद ट्रस्ट ने सीमेंट लगाकर इसकी आयतों को तोड़ा। पहले तो इसकी जो पुरानी आयतें थी उनको तोड़ के उसको सीमेंट से बना दिया। उस टाइम पर भी हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया और हाईकोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया। और बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक हाई पावर्ड कमेटी आई। उस कमेटी ने आके पूरे इमामबाड़े का इंस्पेक्शन किया और उसने ये कहा कि सीमेंट के यूज़ से इस मॉन्यूमेंट को इरिवर्सिबल डैमेज हो गया। अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स की बात करें, जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, उन्होंने यहाँ तक मुझसे कहा कि जिस तरह क्या के इसमें इंटरवेंशन हुए हैं हुसैनाबाद ट्रस्ट के द्वारा, वो तो ये भी सोच रहे हैं कि इस मॉन्यूमेंट को अपने लिस्ट से डीलिस्ट कर दें। बात आगे बढ़ी और गेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस गेट के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी, तमाम एप्लीकेशंस कोर्ट में दाखिल करी हैं, कोर्ट ने उसमें ऑर्डर्स किए, कोर्ट ने बड़े सीरीज़ ऑफ ऑर्डर्स किए। तीन ऑर्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो उन्होंने मार्च और मई 2014 में किए। इन ऑर्डर्स में उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये जो स्टैंड है, जो ये कहता है कि ये गेट हमारे जेरे निगरानी नहीं है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर इसके हम प्रोटेक्शन का ऑर्डर देखें तो उसमें लिखा हुआ है मसोलियम ऑफ किंग मोहम्मद अली शाह बियॉन्ड द रेजिडेंसी। अब बियॉन्ड द रेजिडेंसी में किस तरह से वो गेट ख़त्म हो गए, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते और ना ही कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी इस बात को समझ सकता है कि ये गेट कंजर्वेशन की श्रेणी में नहीं आते। गेट इस इमामबाड़े का एक पार्ट एंड पार्सल है और 100% संरक्षित है, ये हमारा मानना है। और कोर्ट ने भी ये कहा कि पहली चीज़ तो यह है कि ये इसके इसमें आते हैं संरक्षण में, और अगर नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप अपने यहाँ इसको संरक्षित करने का प्रोसेस स्टार्ट करिए। दिस वॉज इन 2014 एंड अगेन इन 2015। लेकिन इन सब चीज़ों के बरखिलाफ इस गेट पर सतखंडा पुलिस चौकी का कब्ज़ा हो गया, पुलिस ने कब्ज़ा कर लिया, किस तरह से उस पर कब्ज़ा किया और अभी कुछ दिन पहले उस पर इंटरवेंशन करके उन्होंने सीमेंट यूज़ करके इसमें एक नया कंस्ट्रक्शन करा दिया, जिससे ये गेट पूरी तरह से डीफेस हो गया। फिर से एक नए सिरे से लड़ाई शुरू हुई, फिर हमने लेटर्स लिखे, फिर हमने रिप्रेजेंटेशंस लिखे, नॉट ओनली टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लखनऊ सर्कल, बट ऑल्सो टू देयर डायरेक्टर जनरल और इनका डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी कल्चर है उनको भी हमने लेटर लिखा। उसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ। एक्सप्लेनेशन कॉल होने के बाद इन्होंने पॉइंट वाइज जो रिप्लाई दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, अपने डायरेक्टर जनरल को, उसकी एक कॉपी हमको भी दी। उस कॉपी को पढ़ने से उसको पॉइंट नंबर दो में बड़ा इन्होंने स्पेसिफिक लिखा कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये हमारे प्रोटेक्शन में नहीं आता, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने एक इंस्पेक्शन कराया, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में उन्होंने लिख दिया कि साहब ऐसा है कि अगर आपने ये कंस्ट्रक्शन करा लिया है और बहुत ज़रूरी है तो आप कमिश्नर की परमिशन ले लिए।
इंस्पेक्शन रिपोर्ट का ये जो कमेंट है ये एब्सोल्युटली इलीगल है, अनवारंटेड है, अनगॉड फॉर है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कानून है 1958 का, उसमें मेजर अमेंडमेंट्स हो गए 2010 में, और उन अमेंडमेंट्स ने बहुत ही क्लियरली ये प्रोवाइड किया कि चाहे पब्लिक नेचर का काम हो चाहे प्राइवेट नेचर का काम हो, प्रोहिबिटेड एरिया में किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन परमिसेबल है ही नहीं। ये सेक्शन 20A का सब क्लॉज 4 जो उसमें ऐड हुआ वो ये कहता है। अब इसके बरखिलाफ अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अपना इंजीनियर ये कहता है कि आप जाके इसकी परमिशन ले लिए, तो ऐसे ऐसे स्टैंड को तो हम इसको जितना क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है। और अगर ये इंटरप्रिटेशन लेंगे तो लखनऊ और देश भर की और अन्य जो हमारी साझी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। आप देखिए कि आज हिंदुस्तान टाइम्स ने इस पर एक स्टोरी कैरी करी है और उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली उसमें लिखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लखनऊ में मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के बजाय डी प्रोटेक्ट ज़्यादा किया है। इन्होंने कदम रसूल को डी प्रोटेक्ट कर दिया, छतर मंजिल को डी प्रोटेक्ट कर दिया, कोठी गुलिस्तान इरम को डी प्रोटेक्ट कर दिया, दर्शन विलास को डी प्रोटेक्ट कर दिया, और उन्होंने जिन जिन मॉन्यूमेंट्स को डी प्रोटेक्ट किया वो धीरे धीरे करके मॉन्यूमेंट्स ख़त्म हो गए। ये तो आई एम थैंकफुल टू दी लास्ट गवर्नमेंट जिन्होंने छतर मंजिल, दर्शन विलास और गुलिस्तान इरम को 2013 में दोबारा से कंजर्व किया स्टेट के कानून के तहत। हम उम्मीद ये करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने इस कानून विरोधी जो स्टेटमेंट है इसको वापस लेगी और वो गेट जो इस मॉन्यूमेंट का अभिन्न हिस्सा है, इनहेरेंट पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है, उसको कंजर्व करने के लिए अपने अर्नेस्ट एफर्ट्स करेगी। आपको एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो बतानी है जिसके बारे में हम बहुत हो सकता है वाकिफ ना हो, और चूंकि हमारे पुराने लखनऊ में भी बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर प्रोटेक्टेड हैं, तो हमको इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेटेड एरिया क्या है और प्रोहिबिटेड एरिया क्या है। प्रोहिबिटेड एरिया का मतलब वो एरिया जिस पे किसी तरह का कोई निर्माण हो ही नहीं सकता, और ये कैलकुलेट होता है लिमिट से, मॉन्यूमेंट की लिमिट से, जहाँ पे मॉन्यूमेंट की लिमिट ख़त्म हो रही हो वहाँ से 100 मीटर का एरिया, उसके बियॉन्ड वो 100 मीटर का एरिया जो है वो प्रोहिबिटेड एरिया है, जहाँ पे किसी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। इस 100 मीटर के बियॉन्ड 200 मीटर का एरिया जो है वो रेगुलेटेड एरिया है, जहाँ पे नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेकर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, रिपेयर की जा सकती है, रिनोवेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर जो कैरेक्टर ऑफ मॉन्यूमेंट है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। थैंक यू।